मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा 350 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। जी हां, खबर गाजीपुर से है, जहां इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें से ही एक गाजीपुर भी है। गाजीपुर की 7 में से 5 तहसीलों के सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद मोहम्मदाबाद तहसील के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी। सीएम के करीब 350 बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। इसके बाद सीएम ने इसी कॉलेज में बने बाढ़ राहत शिविर में भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सीएम ने प्रेस वार्ता भी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में औसत में भी कम बारिश हुई है, पर राजस्थान से 26 लाख क्यूसिक और मध्य प्रदेश से 4 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने की वजह से उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार जनता के साथ हर स्तर पर खड़ी है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका अधिकारी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एंटी रेबीज और एंटी स्नेक औषधि भी भेजी गई है, क्योंकि ऐसे समय में सांप आदि का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा किसानों के नुकसान को देखते हुए दलहन तिलहन और सब्जी का मुफ्त बीज वितरण करने का भी निर्देश दिया गया है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 4 लाख क्यूसिक से अधिक जल बेतवा नदी में छोड़ने के कारण यह जल प्लावन की स्थिति चंबल में, बेतवा में, यमुना जी में, गंगा जी में थोड़ा देखने को मिलना है। प्रदेश के 18 जनपद इससे प्रभावित हुए हैं। 1100 से अधिक गांव प्रदेश में प्रभावित हैं और अकेले गाजीपुर के अंदर 37 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। 7,000 से अधिक परिवार इसमें इसकी चपेट में आए हैं। शासन ने 288 से अधिक यहाँ पर प्रशासन ने नौकाओं की व्यवस्था की है। खाद्यान्न सामग्री हर एक प्रभावित परिवार को मिल सके, युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं और उन्हीं सबकी समीक्षा करने के लिए और प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने के लिए मैं आज निकला हुआ हूँ। मैंने गाजीपुर के सभी प्रभावित क्षेत्रों को देखा है और अभी यहाँ पर राहत के कारण कुछ कार्यक्रम को मैंने निरीक्षण किया है, प्रशासन की व्यवस्था की समीक्षा भी की है। प्रशासन को सतर्क रहने, पीड़ित परिवारों को सबको सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही क्योंकि जिन क्षेत्रों में जल भरा होगा वहाँ पर सांप पक्षों के काटने की शिकायतें मिलती हैं, तो एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता, एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी वहाँ पर CST आदि जो उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के लिए पहले ही निर्णय की गई है, उसकी व्यवस्था पहले से तैयार की गई है। आपदा के समय में सभी प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए ही आज मैं स्वयं यहाँ के दौरे पर आया हूँ। अभी मैं गाजीपुर का अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए चंदौली और वाराणसी के क्षेत्रों का दौरा करूँगा, फिर वहाँ एक चिकित्सा लेकर होगा, जिससे कोई भी पीड़ित परिवार शासक की किसी सहायता से वंचित न रहने पाए।